नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भारतीय सैनिकों से भिड़ने आए चीनी सैनिकों को अब उल्टे पांव वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल हिमालय की सर्द ठंड को सहन करना चीनी सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह कि एक साल के अंदर चीन को अपने लगभग सभी सैनिक बदलने पड़े हैं और पुराने सैनिकों की जगह नए सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। पिछले साल LAC लद्दाख क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई थी, लेकिन चीनी सैनिक वहां का मौसम नहीं झेल पा रहे। इस कारण चीन को अपने सैनिकों में से लगभग 90% सैनिक बदलने पड़े हैं। यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया और उनकी जगह पर नए सैनिकों की तैनाती की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों का रोटेशन ज्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानियों की वजह से हुई है। सूत्रों के मुताबिक ड्रैगन के सैनिकों में इतनी ठंड झेल पाने की स्थिति नहीं है। कड़कड़ाती सर्दी के कारण चीनी सेना बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ने अब नए सैनिकों की तैनाती की है, जिन्हें आसपास के दूसरे क्षेत्रों से लाया जा रहा है। खराब मौसम ने चीनी सैनिकों की हालत बेहद ही खराब कर दी है। हालांकि भारत भी हर साल अपने सैनिक बदलता है, लेकिन भारत इतने बड़े स्तर पर रोटेशन नहीं करता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पेंगोंग लेक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट्स पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को डेली बेसिस पर रोटेट किया जाता था। आपको बता दें, भारतीय सेना 2 साल के कार्यकाल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करती है और हर साल लगभग 40-50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। इन परिस्थितियों में ITBP के जवानों का कार्यकाल कभी कभी 2 साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। बहरहाल आपको बता दें कि दोनों देशों ने गलवान घाटी मामले को बातचीत से सुलझा लिया है और बाकी जगहों के टकराव को भी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश है। पिछले साल मार्च अप्रैल में जब दोनों देशों में टकराव की स्थिति बनी थी, तब चीन ने करीब 50,000 सैनिकों को तैनात किया था, लेकिन एक समझौते के बाद दोनों देश पूर्व की स्थिति पर वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों पक्ष इस साल की शुरुआत में पेंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने स्थानों को खाली करने और वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।